दुनिया में फंसा गया फिर अरे दुगो लइका बाल के दुगो लइका से सब लोग मुर्दा मुर्दा देखो अरे अरे थैंक यू माय लॉर्ड। आज का मुकदमा एक अजीब स्थिति में आ खड़ा है। दिन को अगर कोई रात कह दे तो क्या रात हो सकती है? नहीं हो सकता योर ऑनर, कभी नहीं। लेकिन आज इस भरी अदालत में दिन को रात होने पर मजबूर किया जा रहा है जज साहब, क्या मैं यह सहन कर सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। आज इस भरी अदालत में एक ऐसे व्यक्ति पर कीचड़ उछाला जा रहा है जिसका वर्णन करना भी ठीक नहीं समझता जज साहब। सारा मोहल्ला, सारा गांव जानता है कि सेठ सुखीराम एक इज्जतदार घराने के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने इनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की बल्कि कीचड़ उछाल भी दी है। क्या यह सही बात है जज साहब? इट्स ऑल योर ऑनर। वाह वाह मेरे अजीत दोस्त, वाह वाह। मुझे हंसी आती है मेरे दोस्त को वकालत पर। कानून के लिबास पहनने से कोई वकील नहीं बन सकता मिस्टर गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब ने क्यों सेठ सुखीराम को गिरफ्तार किया इसके बारे में तो आपने तो पूछा ही नहीं। हाँ हाँ कहिए गुप्ता जी, कि इस केस से इस प्रश्न का कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर है इस केस से इस प्रश्न का। योर ऑनर, मैं मुझे उनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो बताइए सेठ जी, रामदीन बुढ़ा को आपने तेल दिए हाँ या ना में जवाब कहिए। हाँ दिया। नहीं दिया था योर ऑनर। जो भी कहना है इसका गहरे में आकर कही है। हाँ तो बताइए सेठ सुखी जी, रामदीन बुढ़ा को आपने पैर से ठोकर भी दिए? नहीं दिया। तो फिर इंस्पेक्टर साहब ने आपको गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत का हिस्सा नहीं मिला था, इसलिए मुझे। यह सब गलत है जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। जज साहब मैं गवाह पेश करना चाहूंगा। देखा जाए योर ऑनर, रिश्वत नहीं मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया, इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब खुश भी लेते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। और आप तो जानते हैं जज साहब, कानून के नजर में रिश्वत लेना सबसे बड़ा गुनाह है जो कि इंस्पेक्टर ने किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सेठ सुखीराम जैसे भले इंसान पर कीचड़ उछालने का जो अपराध इंस्पेक्टर ने किया है, इसके लिए अदालत इन्हें सख्त सख्त सजा दे, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती करने के बारे में सोचकर भी कांप उठे। डेट्स ऑल योर ऑनर। इंस्पेक्टर राज, तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? अदालत तुम्हें इजाजत देती है। जज साहब, मैं क्या कहूंगा जज साहब, तो चलो बोलो, हमारा भी इतना भूजल है। जज साहब मैं तो इस अदालत में कुछ कहने के लायक ही नहीं, क्योंकि यह अदालत मेरा नहीं है, यह कानून और अदालत उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है, धन दौलत है। जज साहब
जहां पैसों के बल पर कानून तो क्या पूरी की पूरी आदान को खरीद लिया जाता है, यहां तक कि सारी जनता और इनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटना एक फैशन बन गया है। जज साहब, इस अदालत में मुझे कुछ नहीं कहना है जज साहब, और मैं जो कुछ भी कहूंगा उस भगवान की अदालत में कहूंगा, जहां दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। जज साहब, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सेठ सुखी राम की मान सम्मान पर कीचड़ उछालने वाले इंस्पेक्टर राज को नौकरी से बर्खास्त करती है तथा सेठ सुखी राम को अदालत बाइज्जत खड़ी करती है। नहीं जज साहब, नहीं, ऐसा मत कीजिए जज साहब, मुझे फंसाया गया है जज साहब।